सतगुरुदेव की जय। साहेब वह सर्वात्मा जिस भी रूप को देखती है उसका समरूप बन जाती है, यानी आप हम सब पर शरीर और इंद्रियों का स्पंदन समान हो जाता है। दृश्य और दृष्टा दोनों मिथ्या है, जो दृश्य है सोई दृष्टा है, इसलिए यह भ्रम मिथ्या आकाश रूप है। जैसे पवन में स्पंदन शक्ति रहती है वैसे ही आत्मा में संवेदन शक्ति रहती है। यह संवेदनशीलता आत्मा का एक गुण है। आप अगर अभी मुझे देख रहे हैं तो आप इतनी देर मेरा ही तद्रूप है, अगर मैं आपको देख रहा हूं तो मैं आपका रूप हो जाऊंगा। इसलिए ज्ञानी लोग क्या करते हैं, अपने में ही रहते हैं। एक मान्यता है, आंख बंद करने से मन पर आधा नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि जब हम आंख बंद करते हैं उस समय दृश्य भ्रम से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए आंख बंद करना आधी समाधि अवस्था है। आप बचें जितना हो सके जगत के दृश्यों को की तरफ अपना कंसंट्रेशन नहीं दें, उसमें आपकी एनर्जी इन्वेस्ट हो जाती है, आप बाहर हो जाते हैं। पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए, और वो स्पंदन शक्ति जो है वो संवेदनशीलता में बदल जाती है। जब भी आप किसी बच्चे को प्रेम करते तो आप उसका स्पंदन नहीं करते, यानी वो अंदर का जो संवेदनशीलता थी वो स्पंदन में चेंज हो जाती है। अब एक विचार बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कुछ लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं गुरुजी जीते जी वहां चलना चाहता हूं। दो ऑप्शन है, या शरीरांत के बाद, पर बहुत कम लोग हैं जो जीते जी चलने की आकांक्षा करते हैं। वो कहते हैं सिर्फ, लेकिन जो प्रवृत्ति और क्रियाएं हैं वो जीते जी वाली नहीं है। यहां थोड़ी सी संभ्रांति का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यहां साहब क्या कह रहे हैं, जो तू चाहे मुझको, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही जैसा हुए रहो तो सब सुख तेरे पास। अगर यथार्थ में तुम मुझे चाहते हो तो फिर दुनिया की चीजों की तरफ अपना ध्यान नहीं दो। आगे फिर इसकी पुष्टि भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। पर अधिकतर लोग जो है सांसारिक भाव को पूर्ण रूप से त्यागने में सक्षम नहीं होते हैं। वो वैसा ही होता है सिर्फ, कलानोर कला रोतक की बात है। मेरा एक सत्संगी था, चार भाई थे, उसमें से एक भाई की जो बीबी आई वो थोड़ा अजीब थी, थोड़ी सी बात होने पर सीधा ऊपर मंजिल की तरफ भागती थी कि मैं वहां से गिरकर आत्महत्या करना है। ऐसे क्या होता था, सब उसको फिर जाकर दौड़ दौड़ कर पकड़ लेते थे, मनाते थे, बस उसका यही नाटक था। थोड़ी बात उसके विरुद्ध हो जाए या कुछ भी हो जाए, यही हथकंडा वो अपनाती थी। तो उन लड़कों का एक बूढ़ा ताऊ था, उसने बताया उनको, फिर क्या कहा, रे छोड़ो वो कौन ना मरे वो नहीं मरेगी, ये तुम सबको मारेगी, तुम उसको कोठे से फेंक दो,
तुम्हें पता चल जाएगा जब फेंकने की कोशिश करोगी तो इसका मंत्र क्या है। खैर, लोग कहते हैं कि हमें जीते जी चलना है, हम तो कहते हैं आइए ना। और साहब के उस शब्द का हवाला देते हैं, संतो जीवत ही कर आशा। जब मैं पिछले 52 साल 50 साल से दीक्षा दे रहा हूं, कोई भी काम इस छोटी जिंदगी में 50 साल किया जाए तो काफी अनुभव मिल जाता है। इस 50 साल के अंतराल में काफी लोगों ने मुझसे गोष्ठी की, काफी सवालात पूछे, तो मुझे अभी कोई भी नया प्रश्न जो आता है तो मुझे नया नहीं लगता है। मेरी चेतना पटल पर वो बात आ जाती है कि ये तो मुझसे पहले भी कई लोग पूछ चुके हैं, फिर मैं वही जवाब दे देता हूं। इस तरह कई लोगों ने मुझे यूं कहा होगा, जीते जी चलना है। मैं कह रहा वेल वेरी गुड, ऐसा नहीं है कि अनुभूतियां लोगों के पास नहीं है, बड़ी अनुभूतियां। मैं कहता हूं दोनों मार्ग है तुम्हारे लिए, चुनो, ये तुम्हें चुनना है। यहां तक कि तुम्हारी अगर विलिंग नहीं है तो गुरु भी तुम्हें पार नहीं कर पाएगा, तुम्हारी विलिंग चाहिए पहले। साहब तो यहां तक कह रहे हैं, मैं चितवत हूं तोहे को, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तू चितवत है ओए। कहे कबीर कैसे बने, तोहे मोहे और ओए। मैं ये संवाद क्यों उठाया, यही संवाद राम जी को वशिष्ठ जी कहेंगे, आगे देखना निचोड़ आएगा आपके पास। इसलिए इस प्रसंग को सरलीकृत करने के लिए मैं आपको ये प्रमाण उदाहरण दे रहा हूं। अब यहां साहब अपनी वाणी में एक बात की फिर पुष्टि कर रहे हैं, मैं आया संसार में, मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर खोर गली गली, ऐसा बंदा नाम लाज है लीजिए फटक पछोड़। माताएं मैंने अनाज पछोड़ती है, चावल पछोड़ती है, गेहूं पछोड़ती है, दालें पछोड़ती है, लेकिन अगर धान रूप में है चावल तो वो नहीं पछोड़ सकती है, क्योंकि वो धान युक्त है। अगर गेहूं की बाली को बोलो कि सूप में पछोड़ो, नहीं पछोड़ा जा सकेगा। अगर राजमा को फली के अंदर है कहो इसको माता पछोड़े, नहीं पछोड़ेगी, नहीं कुछ नहीं हासिल होगा। तो साहब भी पछोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर, यानी गांव गांव में घूमा हूं, ऐसा जीवड़ा ना मिला, यानी कोई नहीं मिला ऐसा, यह लीजिए फटक पछोड़, जिसको पछोड़े। सबके ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ मिला, सबके अंदर मन और माया के आवरण चढ़े हुए मिले, सब में ममता मिली, ऊपर से सर्व लोग कह देते हैं, लेकिन ठीक है गुरु आपको तैयार कर देगा, घबराओ नहीं, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा मात नवे सबको। अगर किसी की हड्डी टूटी तो डॉक्टर का सहयोग चाहिए, अगर वो ठीक नहीं डॉक्टर मिला तो हड्डी गलत जुड़ी जुड़ गई तो कैंसर हो जाएगा, पर सच ये है कि हड्डी तुम्हें ही जोड़ना है, वाह हड्डी तुम्हें जोड़ना है, तुम्हारा सहयोग चाहिए। डॉक्टर एक्सरे करेगा, हड्डी कहाँ से टेढ़ी है, कहाँ से टूटकर किस दिशा में गई है, वो वहां सेट करेगा, सेट करके उसमें प्लास्टर कर देगा, ताकि वहां से तुम उस हाथ से कोई काम नहीं करना, नहीं तो वो डिसलोकेट हो जाएगी। उसके बाद आपको पता है क्या बोलता है, बोलता है भाई देखो
एक रस्सी भी बांध देता है गले में, बोला बाजू लटकाना नहीं, बाजू लटकेगा तो गैप आ जाएगा, जब गैप आ जाएगा उस गैप में मांस आ जाएगा और जीवन भर का सरदर्द बनेगा। फिर मयादित समय के बाद वो आपका प्लास्टर खोलता है, एक्सरे करता है, ठीक है, फिर हिदायत देता है, देख भाई हड्डी जुड़ चुकी है, लेकिन इस हड्डी से 6 महीने तक, साल भर तक कोई दोबारा ताकत का काम नहीं करना, क्योंकि इसमें ज्वाइंट हो चुका है। और उसके बाद आप खुद परहेज करते पूरा जीवन अपने जेहन में रखते हैं। यहीं पर साहब कह रहे हैं, देखा आपका भी सहयोग चाहिए था नहीं डॉक्टर को, गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक तीनों तरधारा बनी आगे गंगा। आपके अंदर एक सवाल उठेगा, अगर हम अनुकरण करना चाहते थे कर सकते थे तो फिर गुरु की क्या जरूरत है। सच यह है अनुकरण करने की ताकत भी गुरु देता है, सत्संग से, कंसंट्रेशन से, वो ताकत भी आप में प्रविष्ट कर देगा। तभी तो नानक देव जी कह रहे ना, आप ही कंडा तोल तराजू, आप ही तोल लनहारा, आप ही लेवे आप ही देवे, आप ही हैं बंजारा। और साहब इस बात को पता है कैसे कह रहे हैं, आप ही सिंधु हैं, बिंदुपन आप ही गुरु हैं, शिष्यपन आप ही आपका खेल सारा। अर्थात वो ताकत भी आप में समाहित करेगा, ठीक वैसे जैसे छोटे बालक को दुग्धपान की ताकत माँ क्या करती है। बालक जब मात गर्भ में था तो उसके पास ठीक वैसे ही पूरी डाइट रक्त रूप में आ रही थी, माँ की नाड़ उससे जुड़ी थी, इसलिए उसके और शरीर की ऊर्जा ब्लड है उसको सप्लाई हो रहा था, वो निश्चिंत था। लेकिन जैसे बाहर आया वो रोया और मूवमेंट की, उसकी एनर्जी इन्वेस्ट हुई, अब माँ से नाड़ी नहीं जुड़ी थी, अब उसे एनर्जी चाहिए। वही माँ फिर क्या करती है, वही जो पहले रक्त सप्लाई कर रही थी गर्भ में, वही रक्त कन्वर्ट हो जाता है पयोधर में दूध के रूप में, ठीक है, दूध भी रक्त है। मुझसे एक आदमी ने कहा, गुरुजी वेजिटेरियन है तो जब हम दूध पीते हैं वो भी तो रक्त है। मैंने कहा हाँ ये पूर्ण सत्य है, वो भी रक्त है, पर वो सुलभ है, मां को इसमें बदन चीरकर खून नहीं निकालना पड़ता है, प्रकृति ने एक विधान बनाया हुआ है, इसलिए वो मान्य है। इसलिए दूध को सभी शास्त्रों में, यहां तक वासुदेव कृष्ण भी आप देखिए मक्खन खाते थे, उनको मक्खन चोर भी कहते हैं, मक्खन का की मां दूध है, वो भी वैष्णव थे ना, मांस तो खाते नहीं थे, वो विष्णु जी के अवतार थे। तो कहने का क्या मतलब है, अब बच्चा दूध पान करने के लिए ताकत चाहिए, कैसे चाहिए मैं बताता हूं, मुझे इसका एक्सपीरियंस है। एक माँ ने मुझे आकर कहा, बच्चे के मुंह में गुरुजी अब ये 7-8 महीने का हुआ है, अब इसकी डाइट बढ़ गई है, माँ का दूध पूर्ति नहीं कर सकता है, माँ का दूध तो 1000 दिन पिलाना ही पिलाना है, मैं माताओं को कहता हूँ, आपको मैंने कई बार दिखाया, मेरे छोटे भाई के पोत्रू तो मेरे भी पोत्रू हुए, दोनों ताकतवर है, उनकी माँ को हिदायत दिया, कोई ब्यूटीनेस नहीं देखना है तुमने, 1000 दिन इन बच्चों को दूध पिलाना है। मैंने 2 दिन पहले ही उससे पूछा, अभी इसका मार्च में 3 मार्च को 14 मार्च को तीसरा साल पूरा हो रहा है, अभी तक वो दूध पी रहे हैं माँ का। देखो इसका क्या असर हुआ, उसका बड़ा भाई थक जाता है मृदुल, वो 6 साल कुछ दिन का है,
ये नहीं थकता है, उससे टक्कर देता है। माँ के दूध में ताकत है, ये प्रकृति का विधान है और शास्त्र संगत है। लेकिन जब हम किसी को मारकर उसका रक्त निकालते हैं, उसको पीड़ादायक और वह हिंसा माना जाता है। तो अब बालक के अंदर दूध पयोधर कैसे पीता है? उस माता ने मुझे कहा कि गुरुजी अभी ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको अनाज का कुछ हम आदत डालना चाहते हैं, तो पहला इसके मुख में आप कुछ डालो। मैं कहा ठीक है। मैंने उनको कहा इन्हें चावल का जूस देना और गेहूं का भी देना, दालों का देना, पहले साबित दाना नहीं देना, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद मैंने एक बर्फी का टुकड़ा लिया, उसको बताया कैसे खिलाया। उस टुकड़े को मैंने, हाथ साफ रहते हैं मेरे, उस बर्फी इस टुकड़े में मैंने ऐसे डिस्ल्यूट कर दी, अपनी उंगली उस बालक के मुंह में दी। पहले वो मुझे देखता रहा आश्रत से, ये कौन है, ये क्या कर रहा है, उसको इल्म नहीं था ना कुछ। मैंने उसके मुख में उंगली दी तो थोड़ा स्वाद लगा। उसने क्या किया, चूसना शुरू किया। अब वो क्या किया, मेरे हाथ को उसने अपने दोनों हाथ से पकड़ लिया, मैं जैसे वो निकालने नहीं दे रहा था। इसलिए जब बालक माँ का पयोधर से दूध पीता है ना, तो जल्दी पयोधर को नहीं छोड़ता है, वो जानता है फिर वो मुझे वो दूध नहीं मिलेगा। वो मेरे हाथ को पकड़ लिया और पता है क्या कर रहा था, मिठाई अंदर तो उंगली में कोई मिठाई नहीं थी, ऊपर थी। पीने के बाद वो क्या कर रहा था, जीभ मेरी उंगली तालू पर लगा दी और जीव नीचे से प्रेस देने लगा। मैं कहा ओ ऐसे दूध पीते हैं, बस मुझे इल्म हो गया। माताएं मैंने इसकी पुष्टि करती है, बच्चा ऐसे दूध पी ताकत लगाता है। पर यह ताकत भी वास्तविकता यह है कि माँ ने उसको पेट से देकर निकाला है। इसलिए सभी जगह सत्संग का बहुत बड़ा महात्म दिया गया है। सबने बड़ा महात्म दिया है सत्संग का। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी, बिना सत्संग के आदमी की कुमत नहीं जा सकती। तो इस प्रकार से अगर आप जीते जी चलना चाहते हैं तो फिर भाइयों एक म्यान में दुई खड़क देखा सुना न कान। चलने के दोनों रास्ते हैं, जीते जी और जीवन छोड़ने के बाद दोनों साधना हैं। मैं किसी को अंधकार में नहीं रखता हूं, धोखा नहीं करता हूं, दोनों साधन हैं। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, दोनों साधन कैसे है? इसलिए साहब की वाणी में जब आदमी नहीं समझता है तो विरोधाभास लगता है। यही बात मुझे एक सत्संगी ने बोली, गुरुजी हमें आपके सत्संग में थोड़ा विरोधाभास लगता है। मैंने कहा कहो, मैं चेष्टा करूंगा तुम्हारी शंका का निराकरण करने। बोला गुरुजी कई जगह आप गुरु का महात्म जब बोलते हैं तो आप स्पष्ट करते हैं गुरु पार उतारे का। कई बार गुरुदेव आप कहते हैं भजन करते रहना, भजन करते रहना, सूरत दुनिया में नहीं घुमाना, हमारे निमित्त क्या उचित है? यही तो राम जी भी पूछ रहे हैं ना कि आत्मकल्याण के लिए जो उचित है वो बताओ गुरुदेव। यही प्रसंग मैंने उठाया है। मैंने कहा भैया देखो, आपको अभी बच्चे भी चाहिए, आप पूरे रूप से संसार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये जीवात्मा काल के अधीन है, इसलिए काल पुरुष जो चाहता है इससे कराता है। साहब यहां कह दिया काल का जीव माने नहीं, काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं समझाए एक नहीं करे कोटिन का ये समस्या साहब को आई होगी ना, और नेचुरल है। 52 लाख को दीनों बीड़ा, लगाए तीरा, यानी कह रहे हैं मैंने दीक्षा नाम दान 52 लाख लोगों को दिया था,
उसमें 36 लाख में सतलोक पहुंचाए। इसका मतलब है विदेह पुरुष स्वयं आया, लगभग 31% लोग डूब गए। यानी हर 3 आदमी में से 1 आदमी नहीं पार हुआ, उसे फिर जन्म लेना पड़ा। वजह क्या थी? जो पार हुए उनको भी वही वस्तु दी थी, जो फिर जन्म लिए उनको भी दी थी, उन्होंने अनुकरण नहीं किया। इसलिए साहेब की वाणी में और संतों की वाणी में एक चीज पढ़ना, गुरमुखता को इतना ज्यादा क्रेज दी गई है, बहुत ज्यादा। गुरमुख बनिए बहुत जल तरिए, गगन मंडल में उर्दमुख कुइयां, गुरमुख साधु भर भर पिया, निगुरा प्यास मैंने मरे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। निगुरा कोई बुरा नहीं है, लेकिन बुरा मानते हैं। प्राचीन काल में निगुरे के हाथ से कुछ नहीं खाते थे, कहते ये शुद्ध नहीं है, गुरु बिना हृदय शुद्ध नहीं होता। और निगुरे से भी बड़ा बुरा है गुरु विमुख। मैं तो लोगों को क्या बोलता हूं बताएं? दुनिया में 7 गुरु हैं, सब अपनी अपनी जगह माननीय है। प्रथम गुरु माता पिता रज भी रज के हैं वो दाता, इन सबको प्रणाम और सबको सम्मान देना चाहिए। उदाहरण दूंगा, प्रथम गुरु माता पिता रज भी रज के हैं वो दाता, ये बहुत आप उनके ऋणी हैं। दूसरा गर्भ की दाई, जो बच्चा जच्चा दोनों को सुरक्षित रखती। तीसरा जो शिक्षा पढ़ाया, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी अंधे की तरह है, क्योंकि उसके आगे पुस्तक रख दो पढ़ ही नहीं पाएगा। चौथा संस्कार कराया, पांचवा जिसने नाम रखा, ताहे नाम से जाने सब गांव। छठा जय राम नाम लिखा गया, जो सर्वगुण भक्ति बताने वाला है। सातवां सबसे जोड़ तोड़ एक से जोड़ी सदगुरु तिसका नाम, ये माननीय है। मैं देखता हूं कुछ कुछ, इसलिए उनमें से किसी का भी अपमान नहीं किया जाए। मैं देखता हूं कुछ लोगों की जब महत्वाकांक्षा यहां पूरी नहीं होती है, पूरा सम्मान चाहते हैं। मैं कहता हूं भैया मुझसे सम्मान नहीं लेना, मुझसे इज्जत नहीं मांगना, क्योंकि मैं उदंड नहीं हूं। वो तुम्हें डुबा देगी, वो तुम्हें बहुत नुकसान करेगी। अहम अग्नि निष्दिन जले, गुरु से चाहे मान, उसको यम न्योता दिया होए मेर मेहमान। मेरा अनुभव है जिनको थोड़ा सा मैं रिस्पेक्ट दिया काफी, वो पूरी संगत के लिए सरदर्द बनता है, अपने को सुप्रियर मानता है, उसको इन्फीरियर मानता है। इसलिए मैं बचता हूं, और चाहना नहीं चाहिए गुरु से, इज्जत कभी नहीं चाहना चाहिए। जे गुरु दुर्दुर आखे तो दुर्दुर नु अपना लेवा, पैर होंदे दा टूटा चित्तर गानी गानी विच मरा लेवा, वो नहीं चाहिए। तो इस तरह वो भी माननीय है, उनका भी अपमान नहीं करना। मैं एक प्रसंग पहले बताया था, आज फिर बता रहा हूं। भोपाल में मैं अपने एक शिष्य यादव था, वहां मेरा सत्संग था और भंडारा रखा था मेरे। उसने मेरे लिए बड़ी मेहनत की, वो जानता है कि गुरुदेव सबके बर्तनों में नहीं खाते हैं, और यहां तक कि मैं ग्रस्त की खटिया पर भी नहीं बैठता हूं। खैर ठीक है, इतने में मेरे कुलगुरु थे आए, जो मैं तो उनसे दीक्षा नहीं लिया था, मेरे माता पिता पहले उनसे दीक्षित थे, अच्छे थे वो। उनको जब जानकारी मिली मेरे विषय में, बाकी लोगों ने, हमारे खानदान के भी कुछ लोग के वो कुलगुरु थे, वो पूछते थे कभी कभी मेरे पिता के लिए, और ये पूछते थे अभी उनका परिवार हमसे थोड़ा संपर्क कम कर रहा है, क्या है? तो लोगों ने बताया कि उनका एक बेटा है, वो सन्यासी है और ज्ञान रखता है, इसलिए वो उनको अपने गुरु की दिशा में ले गए। कोई बात नहीं, कितना महान हृदय था उनका।
उसके बाद भी बोला अभी वो कहाँ है, वो इंदौर से आए थे, मैं भोपाल की बात बता, बोला किसी घर में उनका सत्संग है। अच्छा जब आए वो आकर बैठे, मैं उनको पहचानता नहीं था। तो बाद में मुझे किसी ने बताया ये कुलगुरु है, मैं कहूँ वो पहले बताना था। मैंने क्या किया, उनको अपने पास बुलाया, उनको नमस्कार किया, सबसे है लगता भली, लगता से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा मात नवे सब होए। मैंने क्या किया, आपको सत्य बता रहा हूं, मेरे लिए विशेष आसन बनाया था उस आदमी ने। मैंने कुलगुरु को कहा, महात्मा को कहा, क्या ये भोजन खाएंगे, भोजन का समय, आप भी चले। भोजन कक्ष में जब मैं ले गया उनको, तो वहां एक सुंदर आसन एक गद्दे का बनाया हुआ था मेरे लिए, मैं बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं उनको उस पर बिठाया और एक चद्दर बिछाकर, जमीन पर ही थे वो भी। कहते हैं कि भोजन हमेशा भूमि पर खाना चाहिए, मुझे पर नहीं। मैं एक चद्दर लेकर उस पर बैठा, इतने में वो मेरा शिष्य आया, जिसके घर मेरा भंडारा था, भोजन और सत्संग था, वो गिल्ट फील किया, मैं उसकी आंखों से समझ गया। उसने ये सोचा ये मैं अपने गुरु के लिए बनाया था, ये कौन है, इससे मुझे क्या लेना है। वो अपनी जगह ठीक था, मैं अपनी जगह था। फिर यानी विश्राम के लिए खटिया थी, भोजन खाने के बाद कहते हैं लड़के टर जा, पहले तो झगड़ा नहीं करना है, अगर झगड़ा मारपीट हो तो वहां से हट जाना है, नहीं तो फिर उसका बाप आएगा, माँ आएगी, बहन आएगी और धुंध बचेगी। तो एक कहावत है, लड़के टर जा खा के पड़ जा, यानी भोजन खाकर विश्राम लेना है जरूरी, पानी पीकर एक बार खड़े जरूर होना है। तो मैंने उस आसन पर उनको बिठाया, अब मेरा शिष्य जल भूंज गया एकदम, इतना ज्यादा इरिटेट हो गया कि पूछो मत, बस वो बड़ी नफरत से महात्मा को देखने लगा। मैं किसी बहाने से उठकर उसके पास गया, मैं कहा सुन बेटे, तेरा काम पूरा हो चुका, तूने मेरे लिए जो सभी नई वस्त्र रखे, तेरा काम पूरा है, ये मेरे कुल गुरु है, मेरे खानदान के, मेरा ये कर्तव्य था कि इनको सम्मान देना, तू क्यों परेशान हो रहा है। नहीं हो परेशान, बोला गुरुजी आपके लिए बनाया था ऐसा, मैंने काफ़ी दिन मेहनत की थी सब चीज़ें। मैं कहा बस तूने मुझे दे दिया ना, बात खत्म है। कहने का मतलब है आप उनका तिरस्कार नहीं करना है, किसी तरह से इन सातों में से किसी का भी तिरस्कार नहीं करना, बड़ा पाप लगता है। अगर आपने आगे दिशा बदल भी दी है तब भी आप उनका अपमान नहीं करना है। एक बार जिसको मस्तिष्क नवा करके गुरु धारण किया उसका अपमान करना महापाप लग जाता है। गुरु विमुख गुरु निंदक बिरंच किम होई, उसका मुख मत देखो कोई, ये नीति वचन में आता है। बिरंच तो ब्रह्मा जी को कहते हैं, कह रहे अगर गुरु की निंदा करने वाला ब्रह्मा जी भी है उसका भी मुंह नहीं देखना। आगे क्या बोल रहे हैं, निज मुख गुरु की निंदा करे, आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं। निज मुख गुरु की निंदा करी, रो रो नरक कल्प सत परी, इतनी बड़ी सजा है। कह रहे रो रो नरक में 7 कल्प तक उसको रहना पड़ता है, इसलिए सावधानी बरतना है। ये सब क्वेश्चंस है, आप रोड पर चलते क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चनरी बोर्ड नहीं लगे हुए हैं, कहीं ब्लाइंड कर रहे हैं तो आगे 100 मीटर पहले ही आपको क्वेश्चन मिलता है। कॉशन यानी सतर्क सावधान, ब्लाइंड कर्व अहेड, तो आप सतर्क हो जाते हैं। ये कॉशंस बता रहे हैं आपको मैं, जो आपके लिए काम करते हैं। फिर कहेंगे आता है कॉशन नैरो ब्रिज अहेड, हाँ बस वहाँ, वो आपको सतर्क करते हैं। ये चीज़ें सत्संग आपको सतर्क करता है अच्छे आचरण के लिए, अपने अंदर की बुराइयों को जीतने के लिए। तभी तो साहब कह रहे हैं बिना सत्संग का कुमत नहीं छूटी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, 100 डुबिया लगा गया ना कुमत नहीं जाएगी, हृदय कपट की गांठ न जासी। तो 7 स्वर्ग अभिवर्ग धरो तुला एक अंग, ताहे सकल मिल ना तुले,
जा क्षण लो सत्संग। बताए मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा हर सत्संगी फेसबुक पर यूट्यूब पर मेरा प्रोग्राम देखे, क्या बढ़ाई चाहता हूं? नहीं, इससे पंथ का बहुत बड़ा प्रचार होता है। आपके पास कम टाइम है तो भी चाहे थोड़ा आप जरूर ओपन करें, मेजोरिटी इज मस्ट बी ग्रांटेड, समझे ना। तो बंधुओं इस तरह से मैं ये बताना चाह रहा हूं, ऐसा जीवड़ा ना मिला जाए लीजिए फटक पछोड़। अगर आपको यथर अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, कबीर मन तो एक है भावे जान लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर भावे विषय कमाए, फिर रम जाओ उसमें, भूल जाओ अपने आप को, पहुंच जाओगे। पर ना बाबा, आपको बीवी भी चाहिए, आपको बच्चे भी चाहिए, आपको जगत के पदार्थों में आसक्ति भी है, तब भी आपके लिए एक लूप रोड दे दिया, वे दिया, नियम का पालन करते चलना और श्रद्धा रखना और गुरुदर्शन और सत्संग से एनर्जी ले लेना, तो हम फिर देह छोड़ने के बाद वहां पहुंचोगे। देखिए ये संवाद मैं आपको पुनः वही हाल ले आ रहा हूं, दृश्य और दृष्टा दोनों मिथ्या है, जो दृष्टा है सोई दृश्य है, वह कहते हैं जो दृष्टा है वो स्वयं दृश्य है। आप मुझे अगर देख रहे हैं ना तो मैं नहीं हूं, आप ही बन गए मधु, इसलिए यह भ्रम मिथ्या आकाश रूप है। जैसे पवन में स्पंदन शक्ति रहती है वैसे ही आत्मा में संवेदन शक्ति है, हवा जब भी चलेगी स्पंदन करेगी उसमें यह है, नेचुरल है, आग में नेचुरल प्रकाश और उष्मा है, चाहे चंदन जलाना आप लेकिन आग से उष्मा मिलेगी। वैसे चंदन तो शीतलता के लिए लगाया जाता है लेकिन उष्मा मिलेगी, आत्मा स्पंदनशील है, संवेदन है। आत्मा में संवेदन शक्ति रहती है, जब संवेदन शक्ति स्पंद रूप में होता है तब दृश्य रूप होकर स्थित होती है। वाह बड़ा अच्छा विचार रख रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एक बच्चे को आप देखते हैं तो जब आपने उसको देखा तो उसका बाल्यावस्था, उसकी निश्चलता, उसकी तोतली वाणी, उस निश्चल है कपट नहीं, वो कितना आकर्षित कर देते हैं बच्चे, बहुत आकर्षित कर देते हैं, वो बालक आकर्षित कर देता है। तो कह रहे ऐसे विचार पर आत्मपद को प्राप्त हो, और जो ऐसे विचार कर आत्मपद को प्राप्त नहीं हो सकता है तो अहंकार को दूर करो। वाह बाई चांस आप ध्यान भजन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आगे वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं पता, तू फिर भी पार हो जाएगा। कह रहे हैं यदि कोई ऐसे विचार से उस तत्व की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, ये सोच करके संसार चला चली का मेला है इसमें नहीं उलझे, तो उसको फिर क्या करना चाहिए, विवेक करना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए, पहुंचेगा। अब यहां साहब इसकी पुष्टि कर रहे हैं धर्मराय दरबार में, वाह भूले चुके जीव की मत कोई रोको बाट, यानी जो मेरा जीव है उसकी रास्ता मत रोकना, भूल चूक भी है तो, इसका मतलब नहीं हम भूले करते जाए, जैसे हम पाप करेंगे तो हमारे अंदर कुंठाएं आती जाएगी, अधिक कुंठा आ गई तो हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दही बताए औषधि रूपत करे ताकि वेदन जाए, इसीलिए सन्यासी भी उस ब्रह्म पद की प्राप्ति के लिए अनुकरण करता है। तो आप अनुकरण करना आपका काम बन जाएगा, कर प्रतीत मिलाऊं तो ही, ये तो आपके हाथ में, आप क्या चाहते हैं। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पुरुषार्थ को ही देव मानकर उसका उपासक बन जाता है, उस देव को दूर कर अपने पुरुषार्थ के प्रभाव से इंद्रियों को जीत कर परम पद आत्म तत्व को अपने हृदय में ही पता है पाता है। यानी कह रहे हैं इसलिए भाग्य के भरोसे मत रहना, तुम आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, और दैव के भरोसे मत रहना, दैव प्रारब्ध को कहते हैं, और तुम तब उसको प्राप्त करो। जब तक अपनी बुद्धि बल से अनंत ब्रह्म का साक्षात करो तब तक आचार्यों का प्रमाण सिद्ध सत्य मत का अनुकरण करके तत्व विचार करते रहना। देखा क्या बोलते हैं, अगर आप उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं तो तब तक आप उनके विचारों का अनुकरण करते रहना है, स्वतः वो चीज तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। वाह ये सब साधन से ना हुई तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, क्षमा चाहूंगा समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब मंडी। आज के प्रवचन का सार यही था, ये स्मरण और अनुकरण बहुत बड़ी चीज है, आप उस पर चलना, अपने ध्यान को दुनिया में ज्यादा मत घुमाना, वहां धोखा ही धोखा है। चिंता तो सतनाम की,
और न चित्वे दास, जो कुछ चित्वे नाम बिन वही काल की पास साहेब।